शेमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। अरे मेरी बात सुनिए, क्या कर रही हैं आप? What's next? गाड़ी लाइए। यप यप। कहाँ है गाड़ी? यप कहाँ है गाड़ी? I don't know, कहाँ है गाड़ी? चाबी कहाँ है? चाबी तुम्हें चल गई है क्या? I think you're drunk. क्यों? You're drunk. क्योंकि अगर गाड़ी नहीं है तो चाबी का क्या करें? अच्छा आप दूर रहिए। लाइए चाबी दीजिए, मैं आपकी गाड़ी ढूंढ देता हूँ। How boring. ये लो। But I'm not. Yay. ओ मिल गई, चलो। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम तो दो चीज हो, बहादुर भी हो इंटेलिजेंट भी। अरे और तुम्हें तो चरी भी नहीं हुई है। यू नो जब कुछ लोग पीते हैं ना तो उनको चढ़ जाती है, होश ही नहीं रहता। Excuse me, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हो? Hey, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो इनके साथ जा रही हूँ। What? ए फटीजेब, Come on man, let's fight. जो जीतेगा वही जिया को ले जाएगा। Come on. आप जीते, ले जाइए लड़की को। Hey, fight, fight, fight. Hey, come on man. You wanna dance? No, thank you. Monty, छोड़ो ना मुझे, क्या कर रहे हो? Come to Monty, Jiya. Let's dance. Monty, good. Leave me. I'll just freshen up and come. Okay. Say for him, please. ऐसे क्या देख रहे हो? कभी किसी लड़की को पीते हुए नहीं देखा? Actually, you know, मैं normally पीती नहीं. Thank you. लेकिन आज New Year's Eve है ना, तो मैंने सोचा चल Jiya जी ले. कुछ नया ट्राई करते हैं। By the way, happy new. I'm so sorry. You see, आज मैं drunk. I'm so sorry. ये क्या कर रही हैं आप? I'm sorry. आप देखिए ना. What the hell are you doing? आज क्या हुआ कि मेरे को चढ़ी हुई है ना, मैं क्या करूँ? जब मैं पीती हूँ ना तो मुझे चढ़ जाती है। आपको नहीं चढ़ी क्या? पटी जेब. Excuse you. What the? तुमको मालूम नहीं है? आजकल ये सब फैशन में है। Excuse me, ये मेरा अरमानी जैकेट है यार। अब अरमानी हो गया, typical सिंधी जैकेट। Hey, come on, let's go. Jiya, come on, don't waste time with him, Jiya. Come on, let's go. Never mind. Come on, let's go shake on Jiya. मैंने अपने घर का नंबर मैं आपको जैकेट भेज। मॉन्टी छोड़ो ना, तुम मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर के बेटे हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। मॉन्टी, I'll kick you, मॉन्टी, छोड़ो। Get off me, मैं देखो मारूंगी, अभी देखो। मैडम, जाना कहाँ है आपने? जहाँ जी चाहे ले जाओ। आपका एड्रेस क्या है? ओ यस, उधर से ना तुम स्ट्रेट Jiya! यहाँ से नाक की सीट में स्ट्रेट चलते जाओ, स्ट्रेट। I'll get you! Monty, भैया आ गए। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। Monty, भैया। बैठ जाइए, लग जाएगी आपको। जल्दी आओ, जल्दी।
man. Hey, you bumped into my car. Tell you, you made it. You did it. Please, bro. Monty, pay a puncher. Abhi yahan se kahan jana hai, madam? मेरी बात सुनिए, फिसल जाएंगी आप। कहाँ आपका घर? सुबह तक तो यही था। कहाँ? यहाँ पर था। शायद बाहर आई होगी ना, डूब गया। चलो अच्छा हुआ। तुम तीन चीज हो, बहादुर भी हो, इंटेलिजेंट भी हो और हैंडसम भी। Drinking is bad for health. आपको अपने घर का पता मालूम नहीं था, इसलिए मुझे अपने घर लाना पड़ा। आपके कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए अपने पहनाने पड़े, वरना आपको निमोनिया हो जाता। आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर आयन करके टांग दिए हैं। बाएं देख लीजिए। भूख लगी हो तो फ्रिज में दूध है, ब्रेड बटर भी रखा हुआ है। और हाँ, टोस्टर मत चलाइएगा, शॉक लग सकता है। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, चाबियां कंप्यूटर के पास रख दी गई है। गुड बाय राज। Writing se to bahut intelligent lagta hai. Hey girls, look at the size of his shirt. He seems so tall. Hey, tell me, shakal surat kaisi hai? Bahut handsome hai. Oh my god. Thank god, he came in the nick of time. Hey, otherwise hey, you would have been in trouble. Usne aur kya kiya? Come on. Kuch bhi to nahi. Kuch nahi kiya? Kis vis to kiya hoga? Kuch nahi. Wo aisa hai hi nahi. How can that be? Kapre badle tab bhi kuch nahi kiya. Tabhi bhi nahi. How would you know? You were drunk. Completely wasted. Oh, shut up. Hi. ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल? मैं तेरी जगह होती तो शादी कर लेती उसके साथ। क्यों? मैं हूँ ना। By the way, thank you for your suggestion. Jiya, you must thank him. Yeah. 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 Oh. Hi, boy. Hi. Would you please carry on? Carry on. Carry on. Hey. What's your problem? What's your problem, man? Are you dumb, short-sighted? Wait a minute. Excuse me. Yes. What do I look like? Are you so beautiful? Thank you. देखा तुमने? और तुम्हें विश्वास नहीं होता. Excuse me. What do you think I look like? Very sexy. I know. You lucky bugger. Hey, who do you call lucky? कोई है कि मुझे sexy बोलता है. कोई है कि मुझे beautiful बोलता है. तुम्हें कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? आँखें खराब हैं या कोई और problem है? Listen, I don't have time for you. Hey, but I can wait. Then keep on waiting. Hi. 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 और किया? जी. हमसे पूछिए. आप कितनी सुंदर, कितनी सेक्सी हैं। इसे क्या पता? नाच न जाने बैंगन टेढ़ा। I know yaar, there's something like that. The geometric conic can be mathematically modified by placing the parallels using the orthomorphic formulae instead of placing them at a constant distance. This would produce a strict orthomorphic projection. But as you all know that in our training, we are primarily interested in God. As I was saying, that in our training, we are primarily interested in the orthomorphic based on the two standard parallels. Pay attention, boys. As I was saying, on the two standard parallel. Raj. Yes, sir. Go and solve the problem. Right, sir. Hey, wo aaya tha? आया था। Oh. मेरे सपनों में। No. तुम लोगों ने डरा के भगा दिया। I don't think he's interested. हाँ, तुम भूल जाओ उसको। हम भूलने वालों में से नहीं। I'll get you, baby. Hi everyone, how are you? राज कहाँ है? तुम लोग चुप क्यों हो? राज कहाँ है? कहाँ है राज? आप क्या चाहती हैं? कि हम अपने दोस्त का राज खुद ही खोल दें? क्या मतलब? यानी पूजा बेदी लंका ढाए। घर का भेदी रौनक। I know यार, with some kind of बेदी। कहाँ गई? राज। वैसे अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो बता देता हूँ। राज इंडिया चला गया। He's gone to India। इंडिया? Why? वो ऐसा कुछ काम था, जाना पड़ा। मेरे लाइक कोई काम तो बताइए। At your service। तुम मेरे घर क्यों आई हो? मैं तुमसे मिलने आई, कुर्ता देने के बहाने।
भैया से झूठ बोली, आओ खेलो। Oh, shut up. तुम्हारी यही हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? लेकिन भाभी को तो पसंद है ना मेरी हरकतें भी और मैं भी। क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता। हाँ? बता दूं, हाँ? डिस्को में किस हालत में मिली थी तुम मुझे, नशे में टून। बता दो और फिर ये भी बता देना कि तुम उठाकर मुझे घर पे ले गए थे, मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे, मुझे अपने बिस्तर पे लिटा दिया था और फिर न जाने क्या क्या किया था। मैं तो होश में नहीं थी और फिर ये सारा कुर्ता दे दिया था मेरा तन ढकने के लिए, और ये कुर्ता प्रूफ है मेरे पास। भाभी आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं तुम्हें? अरे बच्चू, अब मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत में है। एयरफोर्स बिगड़ेगी तो दोनों की बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी? हाँ क्या बिगड़ेगी? दे मेरा कुर्ता। दे मेरा कुर्ता। राज जी, क्या चल रहा तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं वो इससे। एक्सक्यूज मी, आप अपना कुर्ता फिर से छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप अपने कपड़े तो ले जा रहे हैं, मेरे तो छोड़ते जाइए। बदतमीज, ये ले। चलो साथ साथ चाय पिए। एक मिनट। हाँ चलो। ए टॉवल की औलाद, चलो उतर। तुम नहीं आ सकती हमारे साथ, चलो उतरो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। वो तो भाभी ने कहा था कि बाजार जाके करवा चौथ का सामान लेकर आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आसमान थोड़ी ना टूट पड़ेगा अगर मैं सामान नहीं लेकर आई तो। बस भाभी का व्रत पूरा नहीं होगा, अगर उनका व्रत पूरा नहीं हुआ तो वो भूखी रह जाएंगे, अगर वो भूखी रह जाएंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, अगर गुस्सा आ जाएगा तो गुस्सा भैया पे उतारेंगी, और अगर भैया पे गुस्सा उतारा तो आज के दिन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन मियां बीवी की लड़ाई में मेरा क्या जाता है? मैं अरे जिया, तुम लोग अभी तक गए नहीं? वो भाभी राज ने ना। बैठो बैठो जी, क्या कहा आपने? आइए जी, बैठिए जी, करवा चौथ का सामान ले। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? मेरी कमर से हाथ हटाओ। तो कहाँ रखूँ? अपनी कमर पे रखो। अगर मैंने पकड़ा नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तो गिर जाओ। अगर मैं गिर गई तो सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा तो व्रत पूरा नहीं होगा, व्रत पूरा नहीं होगा तो भैया भाभी की लड़ाई हो जाएगी, और करवा चौथ के दिन अगर भैया भाभी की लड़ाई होगी तो। चुप ना यार, तू चुप ना यार, सारा टाइम बोलती रहती है, चुप बैठ। क्या तुम बेवाई देख रहे हो जिया? जो मैं देख रहा हूँ? जो तुम देख रहे हो मोंटी, मैं उससे कहीं ज्यादा देख रही हूँ। Well, तुमने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ तभी रेस जीतता है जब खरगोश सो जाता है। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना? डोंट वरी मोंटी, मैं नहीं सोऊंगी। Excuse me. काजल का ये हाल देखकर हमारा तो कलेजा फटता है बेटी, पर करें तो क्या करें, उदासी का कोई इलाज भी तो नहीं होता। होता है अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। आप काजल भाभी की फिर से शादी क्यों नहीं कर देते? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हमारा समाज आज भी विधवाओं की शादी को सम्मान नहीं देता, और जो लड़की एक बार सात फेरे ले चुकी हो उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी तो नहीं मिलता। ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं एक बहुत अच्छे घर का लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। आप बस मुझे एक बार कह दीजिए कि आपको कोई एतराज नहीं। लेकिन बेटी, तुम हमारी बेटी के लिए खुशियां लाओगी तो हमें एतराज कैसे हो सकता है? बस तो फिर बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने तो काजल भाभी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का सोच भी रखा है।